भाई सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की, भारत की वो बेटी जो मात्र 15 साल की उम्र में अच्छे अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को ना केवल धूल चटा चुकी है, बल्कि जो कि धरती की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 2022 में, उसमें ना केवल इस बेटी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया बल्कि वहाँ पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 15 साल की मात्र लेकिन 17 साल एज में जा करके वहाँ जो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत्या, रितिका मोखरा गांव जिला रोहतक की ये बेटी रोहतक छोटराम स्टेडियम में पहलवानी करती हैं। और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इसको किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, ये सारी बातें आज हम आपको इसके मुँह से बताएगी ये बेटी। और बहुत ही प्रतिभा की धनी है, क्योंकि मात्र 15 साल की उम्र में अंडर 17 में जब वर्ल्ड चैंपियन का खिताब कोई बच्चा जीत लेता है तो उसकी प्रतिभा पर शक नहीं किया जा सकता। रितिका भाई, पहले तो सभी दर्शकों को राम राम करो। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते। मेरा नाम रितिका है और मैं मोखरा की रहने वाली हूँ, छोटू राम स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बेटा, आपने कुश्ती कब शुरुआत की? और भाई दर्शकों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मोखरा वो गाँव है साक्षी मलिक का गाँव जिसकी पहलवानी का भी कर्म स्थलीय छोटराम स्टेडियम रोहतक ही रहा है। साक्षी का मेडल जब आया तो मोखरा गांव, वैसे तो पहलवानों का गांव है, लड़कों की अगर मैं बात करूं, अनेक इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन पहलवान, भारत के श्री, हिंद के श्री पहलवान मोखरा गांव ने देश को दिए हैं। उस मोखरा गांव की बेटी की पहलवानी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? सबसे पहले सिक्स क्लास में मैं जाने लगी थी अखाड़े में, तब साक्षी मलिक का मेडल आया था तो रोज़ अखबार में खबर आती थी, तो मेरे ताऊ ने दिखाया कि देखो इसका मेडल आया, तो मैं भी देखती थी तो मैंने भी पूछा था कि ये क्यों आते हैं रोज़ की रोज़, तो फिर ताऊ ये बोले कि है ना इसका मेडल आया ओलंपिक में और ये हमारे गांव की है, इसलिए मेरी भी रुचि हुई कि मैं भी मेडल लेके आऊँगी। और मैंने पूछा कि ये कैसे लाते हैं, ताऊ मेरे को अखाड़े में लेके गए, पहले मेरे लंबे लंबे बाल थे तो ताऊ ने पहले मेरे बाल कटवा दिए और फिर अखाड़े में लेके गए, वहाँ पे देखा सभी प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो फिर मैं भी वहाँ पे जाने के लिए उत्सुक हुई और ताऊ ये बोले कि अब तू भी प्रैक्टिस किया कर, तो फिर मैं भी आने लग गई अखाड़े में। भाई साक्षी मलिक का जब मेडल आया तो ये बेटी गाँव में 6ठी क्लास में पढ़ती थी और वहाँ माड़िया गुरु जी जिन्होंने पूरा जीवन देश की कुश्ती को दिया उस अखाड़े से इसकी शुरुआत थी और आज ये इस मुकाम तक पहुंची है। और बेटा, आपका क्या टारगेट है और किसको आप अपना आदर्श मानते हैं कुश्ती के खेल में, पूरी बात बताएं। आदर्श तो मैं पहले साक्षी दीदी को ही मानती थी क्योंकि उन्हीं से मेरी शुरुआत हुई थी, उन्हीं को देखकर मैं प्रैक्टिस करने लगी थी। और आपका क्या टारगेट बेटा कुश्ती के खेल में, आपको क्या आपने सपना देखा है? मैंने तो यही सपना देखा है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। भाई देखो, जो लोग कहते हैं ना हरियाणा कुश्ती का आप क्यों है, ऐसे बच्चों की बदौलत, देखो ये वो बेटी आपके सामने रितिका जिसने एक साक्षी मलिक के एक मेडल ने इसकी सोच बदली, इसका जीवन बदला, इसका खेल बदला। तो माड़ी अखाड़े से शुरुआत होकर के आज ये इस छोटराम स्टेडियम तक पहुंची और विश्व विजेता का जो खिताब जीता। यहाँ जो बेटा आप आए तो उसमें और पहले की पहलवानी में कितना अंतर आपकी कुश्ती में बदलाव कितना आया आने के बाद? वो गाँव में तो जैसे पहले वाली पहलवानी करवाते थे जैसे बहुत ज़्यादा डंड मरवा देते थे, मीन्स टेक्निक नहीं थी, तो यहाँ पे पहले तो वो डंड मार के फिर ताकत बनाने की करवाते थे बस, और टेक्निक नहीं थी, लेकिन यहाँ पे टेक्निक भी करवाते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, मनदीप कोच हैं, सारे मैम भी हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा। तो यहाँ आने के बाद इसका खिलाड़ी जीवन बदला, हमारे साथ भाई मनदीप कोच साहब, हमारे छोटे भाई जिन्होंने ना केवल एज ए रेसलर यहाँ पहलवानी की सुर दैया जी के पास, और पहलवानी छोड़ने के बाद पहलवानी करते करते NIS की, और उसके बाद मनदीप कोच साहब ने एक कुश्ती कोच के रूप में जो ख्याति प्राप्त की, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। दर्शकों, मनदीप कोच साहब, पहले तुम्हारे दर्शकों को राम राम करो और इस बेटी के बारे में आप बताओ इसमें किस प्रकार का टैलेंट और यहाँ तक ये पहुँची है, तो एक बार आप बताओ जी। सभी को राम राम, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। कुछ अभी ये जो रितिका बेटी है ये मात्र 15 साल की उम्र में, क्योंकि आपको पता है कि
उम्र के साथ काफ़ी चीज़ें घटाएं पढ़ाने की बातें भी आती, लेकिन ये तो मात्र 15 साल की उम्र में ही आज अंदर 17 तक वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता। तो इस बेटी में ये जो प्रतिभा आपको दिखाई दे रही है, आगे चल करके क्या ये मुकाम हासिल करेगी, और इसकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस है 2022 में इसने जो अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता, उसके बारे में आप बताओ एक बार। रीतिका गांव मोखरा से बिलोंग करती है, जो कुश्ती का हबरा है रोहतक में पिछले कई सालों से। तो ये सबसे पहले हमारे पास आती थी जैसे मैट पे जोर करने के लिए, और इसका रीतिका जैसे जोर करने तो इसका यहाँ जोरों में प्रैक्टिस करती थी। उसकी ट्रेनिंग को देखकर जैसे इतनी टैलेंटेड है, इतनी कम एज में मतलब अपने से बड़ी लड़कियों को या अपने से बराबर के लड़कों को उनको भी पटका नहीं देती है। और रीतिका का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसके ताऊ जी हैं, मनजीत पहलवान जी, वो मोखरा से इसको यहाँ ग्राउंड पे लेके आते हैं। उसके बाद इसका डाइट का, प्रैक्टिस का सारा बहुत ध्यान रखते हैं, और इनका ही मैं तो मानता हूँ। और जितना रीतिका मेहनत करती है उसके साथ में इनके ताऊ जी हैं, इनका बहुत बहुत योगदान है। मनजीत पहलवान जी जो मोखरा गांव से ही हैं, और इन्होंने जैसे यहाँ स्टेडियम में लेके आते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करवाते हैं, और रीतिका का विशेष ध्यान भी रखते हैं, खाने पीने का और भी टेक्निक का भी, कंपटीशन में भी साथ जाते हैं हर जगह। और इसका अभी इसमें एशियन चैंपियनशिप, सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में और वर्ल्ड में दोनों में इस साल गोल्ड आया। इससे पहले भी नेशनल में मेडल जीत चुकी है रीतिका, और इतनी कम एज में इसकी बिल्कुल एज अभी 15 साल की हुई है, बिल्कुल इतनी कम एज में और बिल्कुल मासूम सी बच्ची लगती है, और इतना मेडल जो वर्ल्ड का मेडल जीता, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर काफ़ी टैलेंट है रीतिका के अंदर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस के दौरान ये मतलब अपने से बड़ी लड़कियों को भी मतलब स्कोर लेती है या उनको हरा देती है बहुत आसानी से, और मुझे लगता है कि लड़की आगे जाकर बहुत अच्छा करेगी और फिर से मोखरा को एक ओलंपिक में मेडल दिलाएगी। और यहाँ भी जैसे पिछले साल से रीतिका यहाँ हमारे हरियाणा सरकार गवर्नमेंट की उसमें एक पॉलिसी के अंदर एक खेल अकेडमी की अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें खेल अकेडमी और रेसलिंग की अकेडमी यहाँ चल रही छोटराम स्टेडियम में मेरे अंडर, तो उसमें रीतिका सिलेक्शन है एकेडमी में। तो यहाँ एकेडमी में अपना सुबह शाम प्रैक्टिस करती है, और अपना फिर बाकी तो इनके ताऊ जी हैं, मैं तो इनको ज़्यादा श्रेय दूंगा, क्योंकि यही हमेशा इसके प्रैक्टिस से लेकर डाइट, रेस्ट, कंपटीशन सब कुछ यही देखते हैं। और इनका भी एक बहुत बड़ा त्याग है जो गुड़िया के साथ ही, क्योंकि इन्होंने भी वो जब तक अपने जैसे अपने गांव में पहले मेडल आया ब्रॉन्ज मेडल जीता साक्षी ने, वो भी मोखरा से ही बिलोंग करती है। ताऊजी इनके ताऊजी ने बताया कि जैसे हम चाहते रीतिका, और क्योंकि रीतिका ने ही ये चाहा कि ताऊजी मैं गोल्ड लेके आऊँगी आप मेरे, तो उससे मोटिवेट होकर ताऊजी इनके मैं अभी इनको यहाँ पर स्टेडियम में लेके आए हैं, और अब साथ में ट्रेनिंग का भी, और काफ़ी मैं तो इनका श्रेय देता हूँ कि जो अपना बच्ची का इतना ध्यान रखते हैं। और कुछ अभी एक बात बताओ, देखो ना नेशनल में इसने किसको स्कोर दिया, ना एशिया चैंपियनशिप में, वहाँ जो गोल्ड मेडल जीते वो भी बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, और ना वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी को स्कोर दिया। तो ये चीज़ दर्शाती है कि भी इसके अंदर कोई अलग चीज़ है, अलग इसके अंदर है, क्योंकि देखो एक भी स्कोर ना देना, हार जीत तो देखो चलती रहती है, लेकिन इस लेवल पर जा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूँ मैं, एशिया चैंपियनशिप की बात करूँ, कहीं पर भी बगैर स्कोर किसी को दिए जो गोल्ड मेडल जीता, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बता रहा हूँ यहाँ प्रैक्टिस के दौरान भी रीतिका ऐसे ही अपने से बराबर की वेट की, अपने से बड़ी लड़कियों को भी मतलब ऐसा ही करती है, क्योंकि इसको टेक्निक जैसे सिखाती या कोई बताई जाती है तो मतलब इसको ज़्यादा उसके लिए साथ की साथ ही अप्लाई कर देती, इतना टैलेंट है इसके अंदर, और फिर मेहनत कितनी इसके अंदर, बहुत विल पावर है जब प्रैक्टिस करती है। तो आप इसका आपने जो काम लगा दिया, पूरी ईमानदारी से पूरा काम करती है, और जब ये कंपटीशन हुए थे अभी सब जूनियर एशिया चैंपियनशिप और उस वर्ल्ड चैंपियनशिप सब जूनियर के, दोनों में इन्होंने किसी को स्कोर भी नहीं दिया, और स्कोर नहीं, उन्होंने बाई फाल कुश्तियाँ जीती हैं, तो एक बहुत बड़ी ये मानी जाती है, क्योंकि वहाँ USA की भी आती हैं और सारी जो अच्छे कंट्रीज हैं उनकी लड़कियाँ भी आती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो आप ये नहीं कह सकते कहीं USA या वगैरह यूरोपियन कंट्री नहीं आती, तो उनको पटका नहीं देना बहुत बड़ी बात है, और उसको हमें लगता है कि रीतिका आगे आने वाले ओलंपिक जो आगे इसका अभी 28 तक हमारे को लगता है कि रीतिका अपना एक अहम योगदान करेगी देश के लिए। भाई देखो प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आज मात्र 15 साल की उम्र में जो
ना केवल लड़कियों को अपनी उम्र से दो दो तीन तीन साल बड़ी लड़कियों को वर्ल्ड लेवल पर एक भी स्कोर ना देना। और यहाँ जब मनदीप कोच साहब ने बताया कि ना केवल लड़कियां बल्कि इसकी उम्र के इससे बड़े लड़कों को भी ये बेटी पछाड़ करके जोर करवाते, तब उनसे किसी प्रकार भी 19 साबित नहीं होती है। तो एक बहुत टैलेंटेड बेटी हमारे बीच हैं और उनके ताऊ जी जो इनके साथ साए की तरह साथ रहे हैं डिल्लू जी, आज एक बार आप अपना राम राम करो दर्शकों को। मेरी तरफ से सभी दर्शकों राम राम। आप इसको एक साथ साए की तरह साथ रहते हैं इस बेटी के, आपने जो इसकी पहलवानी शुरुआत की, कब आपको ये लगा डिल्लू जी एक भाई ये लड़की कुछ कर सकती है? और आप इसको कुश्ती में तीन भाई बहनों में बीच की है, बड़ी इसकी बहन को ना लेकर आए, आपने अपनी बेटी को भी कुश्ती में डाला, रितिका में ऐसा क्या आपको दिखाई दिया कि आप इसको ही लेकर के आए? रितिका एक बार अखाड़े में गई थी, इसने जाते ये बोल दिया अख्ताऊ जी ये काम तो मैं भी बहुत अच्छी तरह कर लूँगी, इसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, मैं अभी पहले बाल कटाने पड़ेंगे, हाँ बोला पहले बाल ही कटाऊँगी। तो मैंने ये सोचा भाई इसने इतनी भावना बाल भी कटाने की सोच रही है तो ये कुछ करके दिखाएगी, तब मैं इसकी साथ लग गया, इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। अच्छा डिल्लू जी, आप भी एक अपने समय के पहलवान रहे हैं ठीक ठाक से, आप किस लेवल तक पहुँचे और फिर आपका क्या टारगेट था, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए इसलिए आप बच्चों को लेकर के आए, तो बताओ पूरी बात दर्शकों को बताएं। नेशनल तक पार्टिसिपेट होया, उस टाइम पर ऐसा खाने पीने का बाप एक था, बड़ा परिवार था, कोई सुविधा नहीं थी, काम धंधे ज़्यादा चल रहे थे, इस करके ने कोई सुविधा मिली नहीं तो वहीं पर रह लिया हम। भाई देखो सुविधाओं के अभाव में जो रितिका के ताऊ जी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो आज समय बदल चुका है और इस बेटी के लिए इन्होंने जो चीज़ें तैयार की, जो सुविधाएं दी, इनके साथ रहे। इसके पिताजी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। देखो आम किसान की बेटी, जो लोग ये पूछ रहे ना भाई ऐसा हरियाणा में क्या है कि हरियाणा कुश्ती का खेलों का हब है, भाई ऐसे ऐसे लोग, ये मोखरा गांव, ये मनदीप कोच साहब, ये रितिका बेटी, ये डिल्लू जी, जिनका कुश्ती के प्रति इतना समर्पण और इतना इनका वो अभी कुश्ती दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते। रितिका बेटी से हम जानना चाहेंगे, बेटा अब कुश्ती में आप कैसा महसूस कर रहे हो और आगे अच्छी परफॉर्मेंस आप दें, भगवान आपको स्वस्थ रखे, अब कुश्ती के खेल में मतलब आप जो आज पहलवानी कर रहे हैं, कई तीन तीन कितने कितनी देर पहलवानी करते हैं बताओ एक बार? प्रैक्टिस तो हमारी दो डेढ़ घंटा होती है, डेढ़ ढाई घंटा। और अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे को और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जो मेरी कमियाँ मैं उनको दूर करूँगी। और देखो भाई बहुत ही एक ऊँची सोच के साथ ये बेटी इस कुश्ती के खेल में आई है। और आखिरी सवाल मेरा मनदीप कोच साहब से, कोच साहब आप यहाँ इस छोटराम स्टेडियम में पहलवानी करवाते हैं, आपके साथ हरियाणा खेल विभाग से नीतू दैया जी भी हैं, नवीन डाडा जी भी हैं और SSB से राजकुमार जी और अनिल कोच साहब, तमाम कोचिज की टीम, किस प्रकार आप एकदम से कितने बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और क्या लक्ष्य लेकर के आप करवा रहे हैं? ये हरियाणा सरकार के दीनचल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेंटर है रेसलिंग छोटराम स्टेडियम, यहाँ हम जैसे मैं मेरे साथ में नीतू मैडम हैं और जगदीश डांडा जी और SSB के कोच साहब हैं, अनिल कोच साहब हैं और राजू कोच साहब SSB से, वो सभी हम एक साथ एक टीम है, उसके साथ हम एक अपना जैसे प्रैक्टिस का बच्चों करते हैं, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ियों की संख्या यहाँ मैट दो मैट का ही हॉल आप देख रहे हो पीछे, तो इसमें लगभग हम दो ग्रुप में सेशन लेते हैं, जैसे छोटे बच्चों का बैच उसमें भी 80-80 के करीब लड़के होते हैं, जिसमें लगभग 40 के करीब तो लड़कियाँ हैं, बाकी लड़के हैं उसमें। और इस ग्रुप में देख रहे हो कि कम से कम भी 60 लड़कियां प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके में से कम भी 35 लड़कियां हैं और 10-20-25 लड़के हैं, और लगभग यहाँ 60-70 के करीब लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं छोटराम स्टेडियम में, जिसमें अंडर 15 की भी लड़कियां हैं, 17 की भी, अंडर 23 की है, जूनियर की भी है और सीनियर वर्ग में भी। और हमारा यहाँ स्टेडियम में लगभग हर एक कंपटीशन में कोई ना कोई बच्चा यहाँ देश के लिए भाग लेता है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जैसे अब आने वाली Under-23 उसमें भी हमारी 3 लड़कियाँ जाएंगी, अभी पीछे हुई थी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें भी 3 लड़कियाँ गई थी, उसके पीछे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें भी लड़कियाँ गई थी और मेडल जीत के आई थी, सब जूनियर और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें भी हमारी लड़कियाँ मेडल जीत के आई हैं। तो भाई देखो बहुत बढ़िया बात मनदीप कोच, Under-23 में 3 लड़कियों, वो बाद की बात में उसके अलग से आपको लेकर के आऊँगा। और आज कुश्ती का ये अब रोहतक जिले का छोटराम स्टेडियम
क्योंकि इस स्टेडियम से जब भी कोई हिंदुस्तान की टीम विदेश में जाती है, चाहे अंडर 15 की बात करूँ, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 सीनियर, बहुत बड़ी ना केवल यहाँ से भागीदारी रहती है बल्कि मेडलों की भी जब बात आती है तो मेडलों में भी ये छोटूराम स्टेडियम किसी से पीछे नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा कुश्ती में हरियाणा में क्या है, भाई ऐसे लोगों की बदौलत आज ये कुश्ती का सिरमौर हरियाणा। और दर्शकों, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से बताऊंगा, हिंदुस्तान का एकमात्र खेल है ये कुश्ती, जिसने लगातार 4 ओलंपिक हो चुके हैं, 6 मेडल देश को दिए हैं, और एक मेडल इसी छोटूराम स्टेडियम से जो निकल करके आया साक्षी मलिक का, वो भी इसी सेंटर पर पहलवानी उस समय कर रही थी, और वो बहुत बड़ा मेडल था, ओलंपिक का मेडल। उसके बाद यहाँ की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। और मंदीप कोच साहब, आपने यहाँ कब एज ए कोच शुरुआत की और आप एज ए रेसलर कब आए थे और आगे आपका क्या टारगेट है? 2010 में ना, इसके बाद मैं फिर यहीं स्टेडियम में ट्रेनिंग करवाने स्टार्ट कर दी थी, और 2014 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे को कोच नियुक्त किया था, तो यहीं तब से यहीं कंटिन्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखो भाई, मनदीप कोच साहब का यहाँ और इनके जो दूसरे कोचिज हैं उनका सबका यहाँ जो समर्पण भाव है वो आज इस मुकाम पर इन खिलाड़ियों को लेकर के गया है। और भाई दर्शकों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो लोग ये पूछते ना कि हरियाणा में ऐसा क्या है, ऐसे लोगों की बदौलत आज कुश्ती खेल टॉप पर है। ये छोटूराम स्टेडियम का ये कुश्ती हाल इस बात का गवाह है कि यहाँ ना केवल 150 के करीब लड़के और लड़कियाँ पहलवानी करते हैं बल्कि हर प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।